मैं ज्योतिषाचार पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप मेरा मोबाइल नंबर 9942530811 है। आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत से मित्रों का फरमाइश आया है, अनुरोध आया है कि मैं मेष राशि के सूर्य के बारे में बोलूँ। दोस्तों, मेष राशि का सूर्य उच्च का होता है, सूर्य विद्वता का सूचक है, सूर्य बुद्धिमता का सूचक है, सूर्य जो है व्यक्तित्व का सूचक है, सूर्य व्यवहारिकता का सूचक है। जिस व्यक्ति के मेष राशि का शुक्र हो उनका क्या कहना। आज मैं लग्न से लेकर 12 भाव तक मेष राशि के सूर्य के बारे में मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान पूर्वक सुने और किसी प्रकार का कोई शंका समाधान हो तो मुझसे मेरे मोबाइल से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपके शंका समाधान का पूर्ति करने की कोशिश करूंगा। जिस व्यक्ति के मेष राशि का सूर्य लग्न का हो ऐसे व्यक्ति का विचार अच्छे होते हैं, सोच अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति उदार भावुक और दयालु होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ कल गुजरने की तमन्ना होती है। जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में मेष राशि का सूर्य हो ऐसे लोग धन के प्रति लालच नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने प्रतिष्ठा के तरफ ध्यान देते हैं, ऐसे व्यक्ति आर्थिक दिक्कतों में रहते हैं और विद्वता इनके पास पूर्ण रहती है। जिस व्यक्ति का तीसरे हाउस में मेष राशि का सूर्य हो ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं, पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं और माता पिता से अच्छा आशीर्वाद पाते हैं। जिस व्यक्ति के चौथे हाउस में मेष राशि का सूर्य हो ऐसे व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, समाज में अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण उन्नति करते हैं, इनको सुख वैभव की कमी नहीं रहती। जिस व्यक्ति के पांचवें भाव में मेष राशि का सूर्य हो ऐसे व्यक्ति पूर्ण विद्वान होते हैं, PhD करते हैं, किसी विषय पर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक में सफलता पाते हैं, ऐसे व्यक्ति विद्वता से संपन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति के छठवें भाव में मेष राशि का सूर्य हो ऐसे व्यक्ति शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी केस मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस व्यक्ति के सातवें भाव में सूर्य हो मेष का ऐसे व्यक्ति पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता है, इनका दाम्पत्य जीवन महिला है तो पुरुष से, पुरुष है तो अपनी पत्नी से, ऐसे लोग विवादाग्रस्त इनका रहते हैं और पारिवारिक जीवन विवादाग्रस्त व्यतीत होता है। जिस व्यक्ति के आठवें भाव में मेष राशि का सूर्य हो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, सुदृढ़ रहते हैं और बलवान और सकुशल जीवन जीते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य नाइन्थ हाउस में मेष राशि का हो ऐसे व्यक्ति दूर दूर तक नाम फैलाते हैं, व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं, धातु संबंधी व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं और अकस्मातिक पद की प्राप्ति करते हैं। जिस व्यक्ति के दसवें भाव में सूर्य मेष राशि का हो ऐसे व्यक्ति परिश्रम का लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे व्यक्ति का संघर्षमय जीवन होता है और अपने जीवन में आर्थिक मानसिक दिक्कतों में जीवन को व्यतीत करते हैं। जिस व्यक्ति के ग्रहवें भाव में मेष राशि का सूर्य हो ऐसे व्यक्ति दूर दूर तक धन कमाने के लिए जाते हैं, विदेश जाते हैं और करोड़ों रुपये में खेलते हैं, ऐसे व्यक्ति संसारिक सुख वाहन सुख की कमी नहीं रहती है, पूर्ण प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के बारहवें भाव में मेष राशि का सूर्य हो क्या बात है, ऐसे लोग सरकार के द्वारा पूजे जाते हैं, सरकार के द्वारा अकस्मातिक इनको उच्च पद दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं और समाज के अंदर पूजे जाते हैं। दोस्तों, आज आपको हम मेष राशि के सूर्य के बारे में बारहों घर का प्रभाव बताए, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए
और मुझको फरमाइश भेजते रहिए, मैं आपकी पूरी सेवा करने का प्रयास करते रहूंगा। किसी प्रकार का कोई कठिनाई हो तो मैं आपके सेवा के लिए हाजिर हूँ। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।